नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको महाअष्टमी की शुभकामनाएं। आज हम कन्या रक्षा का संकल्प लेते हैं देश भर में, पर आश्चर्यजनक घटना ये है कि आज पूरे दिन में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई प्रेस मीट के माध्यम से पंजाब में हुए एक घटना के बारे में उन्होंने तीव्र निंदा की। बलात्कार एक ऐसा मुद्दा है जिसमें किसी भी प्रदेश में हो या कोई भी दल उस प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, सबको दुख होता है, क्योंकि बलात्कार एक ऐसी चीज़ है जिसने एक बार नहीं बार बार देश की आत्मा को हिलाया है। चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो देश में कहीं भी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो। मुझे दुख इस बात का है कि बीजेपी के तीन नेताओं ने, निर्मला सीतारमण जी, प्रकाश जावड़ेकर जी और हर्षवर्धन जी ने 14 सितंबर से, जब से हाथरस की घटना हुई, पहली बार महिला सुरक्षा पे वो बोले हैं। और बोले भी हैं तो किस लिए बोले हैं? उसका एक ही कारण है कि वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जो कदम उन्होंने उठाया था हाथरस जाने का, उसको उछाला है। उनका मूल उद्देश्य बलात्कार की इस घटना का खंडन करना नहीं है, उनका मूल उद्देश्य उस पीड़िता के परिवार के साथ संवेदनशीलता दिखाने का नहीं है। उनका मूल उद्देश्य एक ही है कि विरोधी दल के नेताओं ने जब अपना राजधर्म पालन किया, उसकी आलोचना करना। आज बीजेपी के नेताओं ने उसी उद्देश्य से तीन तीन प्रेस मीट देश भर में किया। मैं निर्मला सीतारमण जी से, प्रकाश जावड़ेकर जी से और हर्षवर्धन जी से ये पूछना चाहती हूँ कि हाथरस के वक्त आप कब थे, कहाँ थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्नाव की बेटी का जब बलात्कार हुआ, आप कहाँ थे? आज आप अपनी जुबान एक बच्ची के हत्या पर इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। और अगर आप कहीं भी इस प्रेस मीट को सुन रहे हैं तो कान खोल के ध्यान से सुनिए कि हाथरस के केस में सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नहीं, कई विरोधी दल के नेता वहां पहुंचे, जैसे तृणमूल कांग्रेस, जैसे जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी, अलग अलग। और उसका कारण सिर्फ बलात्कार नहीं था, उसका मूल कारण यह था कि जब किसी पर अन्याय होता है, बलात्कार होता है, किसी भी तरह के इस तरह का घटना होता है, और उस प्रदेश की सरकार, उस प्रदेश की पुलिस, उस प्रदेश का हर अफसर जब पीड़िता के परिवार पर लगातार अन्याय करता है, तब विरोधी दल के नेताओं का ये राजधर्म होता है कि उनके पास हम पहुंचे। मैं निर्मला सीतारमण जी से कहना चाहती हूं कि देश के अर्थ नैतिक व्यवस्था का बेरा गर्द करने के बाद आपने जुबान खोला भी तो किस मुद्दे पे खोला? महिला सुरक्षा पे खोला, जिसकी धज्जियां मोदी सरकार जब से पावर में आई है तब से उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी से कहना चाहती हूं कि आपने महिला सुरक्षा पे जुबान खोला भी तो किस लिए खोला? क्योंकि बिहार में चुनाव है। मैं हर्षवर्धन जी से कहना चाहती हूँ कि आपने पंजाब में उस बच्ची की हत्या को लेकर जुबान खोला भी तो कब खोला? जब बिहार में चुनाव है। मैं कहना चाहती हूँ इन तीन नेताओं को और बीजेपी के हर उस महिला विरोधी नेता को, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं है, कि हाथरस और पंजाब में क्या अंतर है, और पंजाब में किसी और नेता और किसी और पार्टी के
नेताओं को जाने की जरूरत क्यों नहीं है और हाथरस में क्यों है, इसके 8 कारण हैं और कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो हैवानियत उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सरकार ने की, उसका कच्चा चिट्ठा आज मैं इस प्रेस किट के माध्यम से, प्रेस मीट के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पहला कारण, जब हाथरस की बेटी का बलात्कार हुआ, वो FIR लॉज करने गई और सामूहिक बलात्कार था, आपने FIR में रेप का सेक्शन डालने से मना कर दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और पंजाब की सरकार ने क्या किया, 36 घंटों में जो दोषी थे उनका अरेस्ट हुआ, IPC और पॉक्सो की धाराओं को FIR में लिखा गया, पंजाब के मुख्यमंत्री और DGP ने खुद इस केस की निगरानी की और मुख्यमंत्री ने खुद सख्त से सख्त सदा की मांग की, और विमेंस कमीशन और SC कमीशन दोनों कमीशन्स की तरफ से SSP के एक्सप्लेनेशन को कॉल किया गया, और आपने एक ऐसे बेहुदा महिला को नेशनल कमीशन ऑफ विमेन में बिठा रखा है जिनकी जुबान में ना लगाम है और ना उनको बोलने की तमीज है। ये पहला कारण है कि हाथरस में जाना जरूरी था, जहां आप FIR में रेप का सेक्शन लिखने को नहीं तैयार थे। दूसरा कारण, 10 दिन तक आपने हाथरस की पीड़िता को अलीगढ़ में रखा, 11 दिन आपने FSL का रिपोर्ट तक नहीं मंगवाया, जो FSL का रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर रेप विक्टिम के शरीर से लेना होता है, आपने उसको 11 दिन आपने उस एविडेंस को नहीं लिया। और पंजाब की सरकार ने क्या किया, पंजाब की सरकार ने 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम भी किया और FSL का रिपोर्ट भी उस पीड़िता के शव से लिया। तीसरा कारण, हाथरस जाने की क्यों जरूरत थी, और पंजाब की सरकार ने ऐसा कदम उठाया कि शायद किसी के जाने से पहले ही उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया। तीसरा कारण यह है कि पूरे जिले का प्रशासन, पूरे प्रदेश का प्रशासन आज पीड़िता के परिवार के साथ पंजाब में खड़े हैं, और आपके उत्तर प्रदेश के DM ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के DM ने हाथरस की बेटी के परिवार के साथ उनको डरा के धमका के कहा कि मीडिया तो आ गई है और मीडिया चली गई है, आपने हमारे साथ रहना है। आपके उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने पीड़िता के परिवार वालों को धमकाया, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार के अंदर पूरे प्रशासन आज पीड़िता के साथ खड़ा है। चौथा कारण, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने तो उत्तर प्रदेश में ना ही सिर्फ हाथरस की बेटी के परिवार वालों को धमकाया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने तो सारी हदें पार कर दी और ये ऐलान कर दिया कि जो दोषी लोग हैं, जो दोषी पाए गए थे हाथरस के केस में, कि उन्होंने रेप किया ही नहीं, कि हाथरस की बेटी का रेप हुआ ही नहीं। और पंजाब की पुलिस ने क्या किया, पंजाब की पुलिस ने पॉक्सो की धाराओं को FIR में लिखा। ये कारण है कि हाथरस में सबको जाने की जरूरत है और पंजाब में शायद सरकार अपना कर्तव्य पालन कर रही है और किसी और को वहां जाकर न्याय करने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ रीजन, उत्तर प्रदेश में आपने मीडिया को हाथरस के इस कांड में पहुंचने ही नहीं दिया। क्या कोई कह सकता है, या मेरे मीडिया के दोस्त हैं, कि पंजाब की पुलिस या पंजाब के प्रशासन ने किसी मीडिया के दोस्त को रोका, कहीं लाठीचार्ज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और उसके बाद अगला कारण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण, निर्मला सीतारमण जी अपने कान खोल के सुनिएगा, कि पंजाब की सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीड़िता का जो अंतिम संस्कार किया, उसके पूरे परिवार वहां पर मौजूद थे, पूरा गांव मौजूद था, और गांव के लोगों ने पंजाब की सरकार पर आस्था जताते हुए कहा कि हमें सख्त से सख्त सजा चाहिए। और अजय बिष्ट जी ने क्या किया, अजय बिष्ट जी ने हाथरस की पीड़िता को अंधेरे में
बिना किसी परिवार के सदस्य के वहां होते हुए गांव के किसी लोगों को, गांव के लोगों को रोकते हुए हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार हुआ। इसलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का हाथरस जाना जरूरी था। और अगर कोई सोचता है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहा है, तो मैं अगला और अंतिम कारण बोल दूं कि इलाहाबाद की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रति जिस तरह का खंडन किया हाथरस की केस को लेकर, शायद देश के सामने और किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि हाथरस कांड में क्या हुआ और देश के किसी और बलात्कार में सरकार का क्या रोल रहा। इसलिए निर्मला सीतारमण जी से कहना चाहती हूं कि आप जिसको पिकनिक कह रहे हैं निर्मला सीतारमण जी, उसको हम अपना कर्तव्य मानते हैं। जब कोई घटना देश को हिला देती है, देश की आत्मा को हिला देती है, हमारा फर्ज बनता है वहां जाना। जिस तरह से आपने हाथरस के बेटी के हत्या के बाद, मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाथरस में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाथरस में रैली निकाली और मीटिंग करके, सभा करके दोषियों का उन्होंने साथ दिया, क्या कोई कह सकता है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई नेता है जो आज होशियारपुर में जो हुआ उस पीड़िता के दोषी के साथ पंजाब का कोई नेता खड़ा है? बिल्कुल नहीं खड़ा है। इसलिए हाथरस जाने की जरूरत थी। और जब जब देश के किसी भी कोने में आपकी सरकार ऐसा अन्याय करेंगी, हम फिर जाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस फोर्स को आप नोएडा के बॉर्डर में खड़े कर दे या उत्तर प्रदेश या दिल्ली के बॉर्डर में खड़े कर दे, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहां जाएंगे। निर्मला सीतारमण जी, आज महाअष्टमी है, आज महाअष्टमी है, हम महागौरी के रूप में कन्या पूजन करते हैं, पर आप एक महिला होके, मैं दुख के साथ कहती हूँ कि आपने फिर एक महिला का अपमान किया, एक नारी का अपमान किया, वो नारी हाथरस की बेटी है, कि आपने उंगली उठा दी उन लोगों पर जो हाथरस की बेटी के खिलाफ होते अन्याय, उसके परिवार के खिलाफ होते अन्याय, उनके पास वो जाना चाहते थे या गए। इसलिए मैं प्रकाश जावड़ेकर जी, हर्षवर्धन जी और निर्मला सीतारमण जी को बोलना चाहती हूँ कि आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आप एक सोच के गुलाम हैं और आप गुलाम ही रहेंगे, पर कांग्रेस पार्टी अपना कर्तव्य पालन करती रहेगी, राहुल जी प्रियंका जी अपना कर्तव्य पालन करते रहेंगे। वेरी ब्रीफली आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। आई एम अपॉल्ड, डिसगस्टेड एंड डिसहार्टन्ड टू सी दैट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री निर्मला सीतारमण जी, हर्षवर्धन जी हु इज ऑल्सो ए सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड प्रकाश जावड़ेकर जी हैव spent a lot of time and energy today to raise the unfortunate death of a young girl in Hoshiarpur of Punjab and raised the question that why should leaders of the Congress party visit Hathras and not Punjab. And I would like to tell Nirmala Sitharaman ji, you repeatedly prove your, not just your incompetence in your own ministry, but you're insensitive as not only a woman minister, but as a minister in the government. There is a reason why many opposition leaders felt it was their prime duty to go to Hathras, and those reasons are that police refused to file an FIR with the section of rape in Hathras, and in Punjab, let me draw a comparison, that the Punjab government not only immediately filed an FIR with POXO and IPC sections, within 36 hours the accused were arrested. The CM and the DJP are personally looking into the case. CM has insisted on exemplary punishment.
The Punjab State Women's Commission and the SC Commission have taken cognizance and asked for a report from the SSP. Second reason why people felt it was necessary to stand by the family members of the Hathras rape victim, which may not be necessary in Punjab, is UP government left the victim, the Hathras victim, over 10 days in a hospital and 11 days without a forensic report being called on, which is absolutely essential to be taken within 24 hours. You left out the forensic evidence because it suited you, because you wanted to take the case to say that there was no rape. That has been proved again and again. But Punjab government and Punjab police has sent this case to fast track with the strictest sections of POXO, which has capital punishment. Third reason why people felt the need and leaders felt the need to go to Hathras and not go to Punjab is because the entire district administration of Hathras geared up not to protect the victim and the family, but to threaten the Hathras victim's family. And that's why opposition leaders felt it was their duty to go to Hathras. In Punjab, the chairman of the Punjab State Women's Commission has already met the family, assured their full support, as well as the SC Commission has sought a report from SSP, as I've always said. Your own district magistrate in Hathras case threatened the family. Can anybody say that any person, any member of the Punjab administration has threatened this family? Another reason, the additional director general of Uttar Pradesh said there is no rape in the Hathras case. Can anybody say that the Punjab police or any police officer in Punjab is denying rape? In fact, OXO has been then. Uttar Pradesh beat up medias. Uttar Pradesh police beat up the media. Punjab has not tried to hush up this case. Apart from that, it is disgusting. Where were you, Nirmala Sitaramanji, when BJP leaders in Hathras were rallying with the accused and victim shaming the Hathras daughter who was killed so brutally? Where were you? Why were you silent? Most importantly, and I want the nation to know this, that Captain Anbinder Singh and the Punjab government ensured that the young girl who unfortunately lost her life was cremated with full respect, complete rituals in the presence of her family, and not just her family but the entire village. And what did Ajay Bisht do? Ajay Bisht cremated her in the dark of the night without a single member. Even in her last moments, he deprived her of her human rights. I would like to say that in case Nirmala Sitaramanji, Prakash Javedkar ji and Harsh Vardhan ji did not know, the Allahabad court has given a tight slap on the fate of Uttar Pradesh government and the chief minister and administration in condemning the manner in which the Hathras case was dealt. Can anybody say that in the Hoshiarpur case that the court feels the need to intervene? I don't think so. That is the reason that Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji felt it's their duty to stand by the family which was being harassed by Ajay Bisht ji and his government. I hope that Nirmala Sitaraman ji will stop displaying her total insensitiveness, her total, I feel, total insensitiveness towards a sensitive issue like this. Don't politicize it. The nation understands that you have suddenly woken up from your deep sleep because Bihar is in election mode. There is no second reason. Your party, your leaders, your prime minister does not see beyond elections, and that's why all of a sudden you have decided to make Hoshiarpur an issue. If anybody has any questions, you can ask. That's all. देखिए, सीधी सी बात है, बलात्कार कहीं भी हो, कोई भी किसी भी मंच पे बैठ के ये नहीं कह सकता
कि हमें दुख नहीं होता, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो पुडुचेरी में हो, और मैं हर उस प्रदेश का नाम ले रही हूँ जहाँ पर हमारी सरकार है, या महाराष्ट्र में हो जहाँ गठबंधन है। सवाल देश की जनता ये करती है कि जब ऐसी कोई घटना होती है सरकार का क्या रोल रहता है। इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से तुलना करके आपको बता दी है कि पंजाब की सरकार ने इस दुखद घटना को लेकर कौन से ठोस कदम उठाए, और अजय बिष्ट की सरकार ने हाथरस के केस में किस तरह से एक बार नहीं बार बार अन्याय किया। लोग सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? लोग सरकार से उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसी घटनाओं में ऐसा कदम उठाएंगे, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिससे लोगों के मन में डर पैदा होगा। और यही एक तरीका है उन दरिंदों के बीच में एक डर पैदा करना कि सरकार इस पे बिल्कुल ही किसी तरह का लीनियंस नहीं दिखाएगी, जीरो टॉलरेंस अगर रखेगी तभी तो लोगों के मन में पैदा होगा। अगर आप दोषी के साथ ही रैली करने लगोगे तो उस प्रदेश में तो बलात्कार बढ़ेगा। और मैं फिर से कहती हूँ, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो, पुडुचेरी में हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं कहेगी, कभी भी ये चाहेगी और कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी उनकी सरकार लापरवाही से काम ले। और मैं सीना ठोक के कह रही हूँ कि राजस्थान में अलवर वाली घटना हो, पंजाब में होशियारपुर वाली घटना हो, या हमारी सरकार जहाँ है कहीं भी घटना हो, हमारे मुख्यमंत्रियों ने, हमारे सरकार के अफसरों ने, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, कोई भी हम पे उंगली नहीं उठा सकता कि हमने लापरवाही की। यही अंतर है हाथरस और पंजाब में। इसलिए निर्मला सीतारमन जी को कहूँगी कि देश का बेड़ा गर्द आप कर चुके हैं, और थोड़ी अगर लज्जा है तो इस सेंसिटिव मैटर पे आप अपनी जुबान बंद रखें तो अच्छा होगा। That's it, प्रणव, बहुत बहुत धन्यवाद।